है, इसीलिए मैं आपका, तो एक बार सिलेबस सुन लो आपका फाइनल टर्म का क्या है। ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, एक सॉलिड्स का इलास्टिसिटी, 3 चैप्टर्स लिक्विड्स के हैं, प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इसमें मैक्सिमम एक्टिविटीज इसमें से हो सकती हैं, आपको कोई चूज नहीं हो पाती इसमें से, तो बहुत एक्टिविटीज हैं, इतने एग्जांपल्स थे, इतने कंसेप्चुअल थे, उनको ही आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हीट में इंक्लूडेड है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ ये लास्ट चैप्टर यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 5 चैप्टर्स आर देयर इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसमें ये अभी तो मैं टोटल सिलेबस बता रही हूँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन। यूनिट 5 है, चैप्टर तो काफी, ठीक है यूनिट्स आपके टोटल 5 हैं, पर उसके अंदर फर्दर 5 चैप्टर तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 2 चैप्टर्स हैं, एक हीट का है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, एक थर्मोडायनेमिक्स अलग से है, ऑसिलेशन देखा ही आपने, ऑसिलेशन अलग से एक चैप्टर है, वेव्स का एक अलग से चैप्टर। ठीक है, हाँ जी, अब 5 है ना, तो इसको हाफ हाफ हम दो, मैं आपको बता दूंगी कल फिर कितना कितना हम रिवीजन टेस्ट 1 और 2 में डाल। ठीक है, चलिए लेट अस कंटिन्यू विद ओपन ऑर्गन पाइप। सो आई टोल्ड यू इट्स अ फ्लूट लाइक ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कहाँ तक आई थी? अच्छा, सी डी फॉर्मूला लगाना है हमने अभी, ए साइन टू पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स प्लस साइन टू पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो यूजिंग दैट प्लस करेंगे तो एक्स वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, 2 पाई वी टी बाय लैम्डा, और कॉस माइनस करेंगे जब हम तो वी टी वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, अगेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज, दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई अ स्टैंडिंग वेव एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव में एक ही वेव फंक्शन होता है साइन या कोसाइन, इसमें प्रोडक्ट होता है 2 वेव फंक्शंस। ठीक है, सो दिस इज एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एक्स इक्वल टू एल, ऑल राइट, एंड देन आफ्टर दिस लेट अस राइट बाउंड्री कंडीशंस। जब एक्स 0 है तब भी एंटी नोड है, जब एक्स एल है तब भी एंटी नोड है। So what are our boundary conditions when x is 0,
y is maximum and second is when x is L, y is again maximum. These are our two boundary conditions. These are two boundary conditions. पुट करते हैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन. ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, लेट अस सी वेदर वाई इज मैक्सिमम और नॉट. सो वाई इज इक्वल टू टू ए साइन टू पाई वी टी बाय लैम्डा कॉस जीरो. एक्स को जीरो पुट कर दिया, कॉस जीरो क्या होता है वन. तो हमारा देखिए वाई जीरो नहीं आया, ये कुछ वैल्यू आ गई इसकी. And this is maximum possible value of amplitude. Yes. So we have checked the first boundary condition that when x is 0, y is maximum. When x is 0, y is maximum then. ठीक है, अब second boundary condition हम put कर देंगे, अब उसको check नहीं करेंगे, first verify हो गई. So put x equal to L and y equal to maximum. 2a sine 2 pi vt by lambda cos 2 pi l by lambda equal to maximum. ठीक है, now this equation, for this equation to be maximum, this cos term should be maximum. अब यहाँ पे वेरिएबल इसमें है, कल वाली डेरिवेशन में साइन में था वेरिएबल, यहाँ पे अब है. सो दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन cos 2 पाई l by lambda इज मैक्सिमम प्लस माइनस 1. जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 है, cos की भी यही है. नाउ अब कौन कौन से एंगल के लिए cos प्लस माइनस 1 होता है? cos 0 होता है प्लस 1, cos पाई होता है माइनस 1, cos 2 पाई होता है प्लस 1, cos 3 पाई होता है माइनस 1. तो अल्टरनेटली n पाई, cos n पाई प्लस माइनस 1 होता है. sin n पाई 0 होता है बट cos n पाई प्लस माइनस 1 होता है. सो वी कैन राइट प्लस माइनस 1 इक्वल टू cos n पाई. इक्वेटिंग द एंगल्स 2 pi L by lambda is n pi. So lambda is 2L by n. Nth wavelength how we want. So we got nth wavelength. And same way we'll get nth frequency also. Ab C ya V is equal to lambda nu. So nu will be V by lambda. ठीक है, न्यू विल बी वी बाय लैम्डा. इसमें पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू, न्यू इज वी बाय 2l बाय n, n कम्स हियर वी बाय 2l, n टाइम्स वी बाय 2l. सो दिस इज nth फ्रीक्वेंसी आल्सो. कहीं पे देखे ये दोनों एक्सप्रेशंस कहां पे आए थे याद है कहीं? nth वेवलेंथ, nth फ्रीक्वेंसी. अभी तक हमने दो डेरिवेशंस किए हैं सो फार, उनमें से किसी एक में यही आया था क्या? फर्स्ट कौन सी थी? वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स है ना, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग इन सोनोमीटर वायर फॉर एग्जांपल. तो वहां पे सेम यही वेवलेंथ का एक्सप्रेशन था, यू कैन चेक इट आउट. सेम फ्रीक्वेंसी का भी यही फॉर्मूला था, बट डेरिवेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है ना. तो थोड़ी सी चीजें हैं जो इसको सेम को डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं. आपने देखा तीनों में हम सेम वेव फंक्शन यूज कर रहे हैं. इन ऑल द थ्री वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन ऑल द थ्री वी आर अप्लाइंग सीडी फॉर्मूला, इन ऑल द थ्री वी आर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, बट इवन देन अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आर डिफरेंट. ठीक है, रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं और ये यहाँ पे रिजल्ट सेम है. तो एक एक पॉइंट का माइन्यूटली ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे डेंसर मीडियम है, एडिशनल फेज डिफरेंस ऐड हो रहा है, कहाँ पे नहीं ऐड हो रहा है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट एंड दिस विल कम फ्रॉम रिटन प्रैक्टिस ओनली, अदरवाइज तीनों डेरिवेशंस की खिचड़ी पक जाएगी.
पेपर में सीधा लिखने बैठोगे कहीं का कहीं पहुंच जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा आपका। तो ऑलवेज डू द रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। पेपर में हम कभी नर्वस भी होते हैं, पहले कभी लिख के नहीं देखी होगी तो डेरिवेशन के रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, बीच में कोई गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हेन यू डू द रिटन प्रैक्टिस देन द कॉन्सेप्ट इज फिक्स्ड, देन यू जस्ट नीड टू रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम्स। चलिए, सो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल मोड्स। वी विल डिस्कस डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म, वी विल डिस्कस नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नाउ विल डिस्कस द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल मोड, ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक। पुट टेन इक्वल टू वन, और बनाने के लिए तो यही है आपके पास, लैम्डा वन इज टू एल, सो एल इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय टू, एल इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन टू, लेंथ मार्क कर दी। अब कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स, नोड्स वन एंटी नोड्स टू। फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन को वन पुट कर दो, वी बाय टू एल। सो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स इज वी बाय टू एल। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स की कितनी थी, व्हाट वाज, हाँ उसकी थी वी बाय फोर एल, हाफ थी, हाफ ऑफ दैट ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो पिच है वो किसकी, साउंड की पिच हायर है, ओपन ऑर्गन पाइप्स की साउंड ज्यादा शार्प है, ज्यादा पिच है उसकी, फ्रीक्वेंसी मींस पिच, तो शार्प साउंड जो है वो ज्यादा अच्छी लगती, म्यूजिकल लगती, ठीक है। तो एक एडवांटेज यहां से हमारी पता लग गई कि व्हाई आर ओपन ऑर्गन पाइप्स बेटर देन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट मोड देखते हैं कौन सा है। अब फर्स्ट ओवर टोन, और कौन सा हार्मोनिक है, लेट अस सी। फर्स्ट ओवर टोन और कौन सा हार्मोनिक है, दैट विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। सपोज टेन इक्वल टू टू, तो लेमडा आपका आ गया एल के इक्वल, टू एल बाय टू, और ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ वी बाय टू एल, ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी वन। सो फ्रीक्वेंसी इज, सिंस ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, तो इसमें ये सेकेंड हार्मोनिक मिसिंग नहीं है, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप में फर्स्ट के बाद सेकेंड हार्मोनिक भी आ रहा, ठीक है। और बनाते एक लूप इंक्रीज कर दो, ठीक है। इज दैट फाइन, ठीक है, ये मार्क कर दिया हमने सारा कुछ, मोड बना दिया, वेवलेंथ फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी बना दी, सेकेंड हार्मोनिक हो गया। अब थर्ड कौन सा ओवरटोन होगा, नेक्स्ट सेकेंड, और हार्मोनिक कौन सा होगा, लेट सी। सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक,
और पुट n इक्वल टू 3, हाँ नोड्स एंटी नोड्स लिख लेना उसमें, वो हमने लिखे नहीं। थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक, लेंथ इज 3 लैम्डा 3 बाय 2, नोड्स एंटी नोड्स एक ज्यादा है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसी है जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग की थी, वही है, बस ये पैटर्न्स डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे हम ओपन ऑर्गन पाइप्स के बना रहे हैं, वहां पे हमने स्ट्रिंग्स के पैटर्न्स बनाए, राइट। अब इसको ध्यान से देखते हैं फिर जनरलाइज करते हैं। इफ इट इज एनथ हार्मोनिक ओवरटोन एन माइनस वन होगा, ठीक है, आपके नोड्स का नंबर एन ही होगा, एंटी नोड्स का नंबर एन प्लस वन होगा, ठीक है। एनथ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी है, तो सोन अप करके अब लास्ट लिखिए एन माइनस वनथ ओवरटोन एनथ हार्मोनिक, ये फ्रीक्वेंसी हो गई एनथ, और वेवलेंथ है ये, नंबर ऑफ नोड्स इज एन, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज एन प्लस वन, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज एन प्लस वन। सो देन वील राइट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इट बियर्स अ होल नंबर रेशियो, सो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, क्वालिटी ऑफ साउंड इज वेरी गुड, सो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बियर्स अ होल नंबर रेशियो। ओके फाइन, देख लो तीनों डेरिवेशंस अब एक बार, कोई डाउट है तीनों में तो यू कैन आस्क। कौन सा? देखो जब थर्ड हार्मोनिक था ना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो थर्ड ओवरटोन था तो हार्मोनिक फिफ्थ था, ऐसे ही है ना, सेकेंड ओवरटोन था, सेकेंड ओवरटोन था और फिफ्थ हार्मोनिक था। तो अगर आप हार्मोनिक को हमने एन लिए, ओवरटोन को एन लिए, तो अब टू का फाइव कैसे बनेगा, टू एन प्लस वन करोगे तभी बनेगा ना, एन को टू पुट करिए, टू इंटू टू प्लस वन फोर प्लस वन फाइव, तो टू एन प्लस वन बने सेकेंड ओवरटोन में। हाँ फिर क्या हो गया? नहीं नहीं हमने तो ऊपर हेडिंग को देख रहे हैं कि हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या सब, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वी हैव रिटन द नंबर ऑफ एंटी नोड्स एंड नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। और कोई डाउट? यस, बीट्स देखो, अब बीट्स कोई बात नहीं, क्या होती है बीट्स, सुनी है कभी बीट्स? बीट्स का मतलब पता है, राइज और फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, एक बार राइज होता है फिर फॉल होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसको बीट्स कहते हैं ना, कभी साउंड अप कभी डाउन जा रही, सो राइज और फॉल in intensity of sound is called beat, and number of beats in 1 second is called beat frequency,
नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी एंड इट्स गिवन इन द यूनिट बीपीएस, बीट्स पर सेकेंड, ठीक है, बीपीएस में इंडिकेट होती है। अब बीट्स बनती कैसे? अभी तो हमने आइडेंटिकल वेव्स ली, राइट नाउ स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट के लिए वी वर टेकिंग टू आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम था, बट फॉर बीट्स द फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी डिफरेंट। अगर सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी, आइडेंटिकल वेव्स होगी, तो बीट्स बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो बीट्स के लिए वी शुड हैव सम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द सुपर इम्पोजिंग वेव्स, बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 10 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है, और वो सुपर इम्पोज करके बीट्स बनाएंगे। लिखिए डेफिनेशन, हाउ आर बीट्स फॉर्म्ड। बीट क्या होती है वो लिख लिया। हाउ आर बीट्स फॉर्म्ड? बीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, बीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। बनती प्रोग्रेसिव वेव्स ही है ये भी। सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज।